नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओसित और आप देख रहे हैं जी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है थ्री फेज सिलेंडर के बारे में। तो इसे हमने ऑटो स्विच भी कहते हैं। तो जैसे कि हमारे चैनल में ऑटो स्विच यानी कि प्रिवेंटर का बहुत सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर 6 वायर वाला ऑटो स्विच और 7 वायर वाला ऑटो स्विच और बहुत सारे कंपनी का ऑटो स्विच का कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। BC स्टार्टर में भी कनेक्शन किया हुआ है और LT स्टार्टर में भी कैसे कनेक्शन किया जाता है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक। ठीक है, इस वीडियो में ये जो प्रिवेंटर होता है थ्री फेज प्रिवेंटर, इसके बारे में पूरा डिटेल्स खुल के बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या कनेक्शन में दिक्कत आता है और क्या क्या इसका फंक्शन है, कैसे ये ऑपरेट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये होता है एक LT कंपनी का प्रिवेंटर यानी कि थ्री फेज ऑटो स्विच। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पूरा कनेक्शन करने के लिए जितना सारे वायर है उसके कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कैसे इसे कनेक्शन करना है। हम आपको दिखा देते हैं, ये जो ऑटो स्विच है इसमें 6 वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 वायर होता है। ये जो वायर है इसके कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे रेड येलो ब्लू के लिए तीनों सप्लाई, यहाँ पे रेड येलो ब्लू ये तीनों मेन सप्लाई के लिए दिया गया है और यहाँ पे नोवल कॉयल और स्विच। तो नोवल कॉयल और स्विच में एक प्रॉब्लम क्या आता है, जो 7 वायर वाला ऑटो होता है उसमें 4 वायर होता है, यानी कि ये थ्री फेज सप्लाई को छोड़कर, इसे छोड़कर बाकी जो 3 वायर यहाँ पे बच रहे हैं वहाँ पे 4 वायर मिलता है, इसलिए बहुत आसान हो जाता है कनेक्शन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं ये होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन वायर, मतलब ये नोबल कॉयल का एक लाइन और स्विचिंग वायर का एक लाइन को मिला के ये व्हाइट वाला लाइन को कनेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो नोबल कॉयल क्या होता है, नोबल कॉयल यानी कि हमारा स्टार्टर में जो कॉयल रहता है उसी को सप्लाई देने के लिए ये वायर दिया जाता है। एक्चुअली ये जो प्रिवेंटर है इसके अंदर एक रिले रहता है, 12 वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिले रहता है। जब भी हमारा रेड येलो ब्लू ये तीनों फेज मिलता है प्रिवेंटर को, तब क्या होता है वो रिले ऑन होता है। जब ये रिले ऑन होता है तब जाके हमारा जो स्टार्टर है वो चालू हो पाता है। ठीक है, जो नोवल कॉयल होता है वो जो रिले है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चालू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर इसका ऑन डिले यहाँ पर सेटिंग दिया गया है, यहाँ पर 0.5 मिनट से लेकर यहाँ पर 5 मिनट तक यहाँ पे सेटिंग दिया गया है। आप चाहे आपका हिसाब से इसे आप एडजस्ट करके आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एडजस्ट करके आपका डिले टाइम सेट कर सकते हैं। तो डिले टाइम को आप जितने मिनट में सेट करेंगे उतने मिनट के बाद ये रिले ऑन होगा, तब जाके स्टार्टर ऑन हो पाएगा। ठीक है, ये होता है इसका कनेक्शन का सिस्टम। और क्या है, यहाँ पर जो स्विच है पहले ये ऑटो मैनुअल दोनों मोड में आता था, अभी ये बाईपास सिस्टम दिया गया है। तो बाईपास का सिस्टम क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए ये ऑटो यानी कि प्रिवेंटर ख़राब हो चुका है, तब तो क्या होगा, हमारा जो इसका अंदर जो 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है, नो वोल्ट कॉयल का जो सप्लाई के देने के लिए जो रिले है वो ऑन नहीं हो पाएगा। जब वो ऑन नहीं हो पाएगा तो ये प्रिवेंटर ऑटो मोड में काम नहीं करेगा और मैनुअल मोड में यानी कि बीच में इसमें भी काम नहीं कर पाएगा। अगर इसे बाईपास सप्लाई देंगे यानी कि ये जो हमारा स्विचिंग का वायर है यहाँ से सप्लाई इन हो रहा है और यहाँ से होकर ये ग्रे वायर तक आ रहा है, तो ये रिले तो ये दोनों वायर में कनेक्शन है ना, तो ये जो बाईपास का सिस्टम है इस ग्रीन वायर से डायरेक्ट ये जो ग्रे वायर वहाँ तक कनेक्शन जा रहा है, मतलब ये जो रिले है इसके अंदर रिले का कनेक्शन को शॉर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, तो बाईपास मोड में आप कर देंगे, अगर आपका प्रिवेंटर ख़राब भी होता है तो भी आपका स्टार्टर मैनुअली काम करेगा, मैनुअली स्टार्ट होगा और स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको ऑटो मोड में ही स्टार्टर को चलाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसे मैनुअल मोड में चलाएंगे तो बाईपास में रख के इसे यूज कर सकते हैं। ये होता है इसका पूरा सिस्टम। और यहाँ पे एक ऑन लाइट है, जब ये थ्री फेज कनेक्शन मिल जाएगा तो ये ऑन लाइट यहाँ पे ग्रीन लाइट एक आ जाएगा। अगर आपका थ्री फेज सप्लाई में ये जो तीनों सप्लाई है यहाँ पे सप्लाई को देने के बाद ये जो ग्रीन लाइट है ब्लिंक करने लगेगा, एक बार जलेगा एक बार बुझेगा, ऐसे अगर होता है
तो क्या करना होगा, ये जो रेड येलो ब्लू तीनों फेज है, यहाँ से एक पिक एक वायर को छोड़ के बाकी दोनों वायर को फेज को आपस में बदल देना है, ठीक है। मतलब इसका कनेक्शन रेड येलो ब्लू ऐसा रहता है तो इसे चेंज करके रेड ब्लू येलो ऐसे कनेक्शन करके भी इसे चला सकते हैं, ठीक है। अगर इसे कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो इसके मदद से भी आप LT जो स्टार्टर होता है उसका कनेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग है मैनुअल जो कनेक्शन है उसे ऑटो में चलाने के लिए जो क्रॉसिंग है ये वायर को खोल देना पड़ेगा, मतलब रिले में ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता है, ये यहाँ से यहाँ तक नया स्टार्टर में जो शॉर्टिंग आता है उसे खोल देना है। उसे खोल के यहाँ पे हमारा जो वायर है, ठीक है, एक वाइट वायर को यहाँ पे लगाना है और एक ग्रीन वायर को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग भी कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पे बहुत ही आसान होगा LT स्टार्टर में LT प्रिवेंटर को कनेक्शन करने के लिए। अगर आप BC स्टार्टर में कनेक्शन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे इसका वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।